ये देखो अभी ये तो गार्डन ही है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं अभी। ये गार्डन ही है और ये एक हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, जो कि अभी गर्ल्स हॉस्टल बन जाएगा। Hey, what's up everybody? Welcome back to the channel and this is Rishabh Yadav. तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई न्यू कैंटीन, मतलब न्यू फूड कोर्ट्स खुले हैं हमारे कॉलेज कैंपस में। तो फूड कोर्ट खुले हैं तीन और हम तीनों के तीनों जाने का प्लान बना रहे हैं, पर देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तीनों के तीनों फूड कोर्ट में हम घूमने जाएंगे, मतलब आज ही इनॉग्रेशन था उसका 22 अप्रैल। अरे गाइस बड़ा फ्री का वड़ा पाव मिल रहा था फिर भी हम नहीं गए, लड़कियां देख रही तो समझ जाओ, देख रही हो लड़कियां, समझ रहे हो। तो गाइस अभी अपन चल रहे हैं फूड कोर्ट में, कुछ खाएंगे पियेंगे घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं कैसा कैसा बना है क्या क्या, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या ब्रांड है यहाँ पे। मतलब तो गाइज अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो वाली के याली द फूड कोर्ट से, जो हमारे हॉस्टल के जस्ट सामने, मेरे बाल उड़ते फुड़ते जा रहे हैं। पानी का देख लहर मारा जा रहा है, देख व्हाट, देख पानी का लहर मारा, देख ना कुछ फायर ब्रिगेड जैसा देख सामने। अभी वो बन रहा है ना वहाँ पे ग्राउंड बन रहा है, एक और नया ग्राउंड बन भाई, बहुत बन रहा है भाई, बहुत कुछ नया नया बन रहा है। अरे हाँ पता, गलत गलत चीजें बोल रहे हैं गाइस, किनको नहीं बोलने चाहिए, उसका क्या परिणाम हो सकता है, तुमको पता नहीं इसका क्या परिणाम हो सकता है। परिणाम पता है पर कभी कभी निकल जाता है। गलत लोग गाइस क्या बोले, चलो आपको दिखाते हैं न्यू फूड कोर्ट। कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा अच्छा, इधर सुकून की वाइब है, इधर पढ़ाई लिखाई करने भी आ सकते हैं गाइस, और ये देखो इधर चल भी रही है पढ़ाई लिखाई भी, कोडिंग भी कर सकते हैं इधर आके, कोडिंग कर सकते हैं। अरे हाँ तू भी करता है ना एडिटिंग वीडियो की, तू भी आएगा ना लैपटॉप लेकर, बिल्कुल अपन साथ में आएंगे, हाँ मजा आएगा। तो गाइज ये रहा हमारा पहला फूड कोर्ट जो हमारी हॉस्टल के सामने बना हुआ है, ठीक है, इसका नाम है यूटोपियन फीस्ट, आपने देख लिया उसके नाम पे। अरे हम मोस्ट ऑफ द चीजें नॉन वेज है ना भाई, नॉन वेज है, वेज में ऑप्शंस है पर वो साउथ इंडियन वो सब है, सिर्फ दो ही ऑप्शन जो शायद वेज है भाई, मतलब इन लोग तो नॉन वेज खाते नहीं है तो इन लोग के लिए तो यहाँ कम ऑप्शन है, तो इन लोग यहाँ कमाएंगे, भले हम लोग के हॉस्टल के सामने है तो इन लोग तो यहाँ कमाएंगे, बट मैं तो नॉन वेज दबा खाता हूँ भाई, तो मैं तो कल ही आने वाला हूँ क्योंकि कल संडे है, रात में खाना मिलेगा, तू हमारे साथ आएगा, तेरे को गाइज नहीं जाने दिया जाएगा, आपको व्लॉग में देखना हमारे साथ ही मिलेगा। मेरा तो भाई बहुत देख के मन किया भाई, नॉन वेज वगैरह वहाँ मिलते हुए, तो हमारे साथ आएगा तो किसी खास के साथ जाना, किसी के खास पर्सन के साथ जाना, तो बाद में तुम व्लॉग में नहीं जाएगा अगर मैं बोलूंगा ना तो, मुझे पता है इसलिए। नहीं गाइस किसी खास पर्सन के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेले आऊंगा, अगर इन लोग नहीं आएंगे, इन लोग तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, इन लोग कहीं और जाएंगे वेज खाने, खास दोस्त कहीं और। नहीं गाइस मैं आपको दिखाऊंगा व्लॉग में, कल मैं बिरयानी खाऊंगा 70 रुपए की, गाइस हम लोग बहुत ही इंतजार कर रहे हैं, हम लोग ये वाले हॉस्टल में पनीर की सब्जी खिलाएंगे, गाइस अभी हमारा हॉस्टल बन रहा है, आधे पैसे हम दे चुके हैं सेकंड डोज, तू बोल मत, रूम नंबर पिछली बार भाई कट गया हमारा, नहीं कोई नहीं कोई नहीं आया। तो गाइस अभी यही सीन है, हम लोग बहुत ही बहुत ही बहुत ही मरे जा रहे हैं गाइस, हम लोग इस हॉस्टल आने के लिए, अभी बना नहीं है, हमने आधे वाले पैसे दे दिए हम लोग आना चाहते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं सेकंड फूड कोर्ट में, जो कि है भगत सिंह जस्ट सामने पे है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, हाँ, सबसे बड़ा शायद यही इन तीनों में ना, हाँ आई थिंक तो सबसे बड़ा, हाँ यही है यही है, हाँ। तो अभी अपन वहाँ चल रहे हैं, वहीं से अपन कुछ खाएंगे पियेंगे भी, वहीं से खाएंगे कि अपन कैंटीन चल रहे हैं, नहीं कैंटीन कैंटीन भाई यहाँ का बहुत महंगा होगा, अभी अभी यहाँ देखते हैं शायद बहुत ज्यादा, प्राइस भी देखते हैं भाई, प्राइस वाइज देखते हैं, अटली वाला अच्छा है भाई, उसमें प्राइस देखा ना तूने सही था सब, हाँ अभी देखते हैं यहाँ से खाना है कि नहीं खाना है, बाकी हम लोग नहीं तो पुरानी वाली अपनी कैंटीन में जाकर, पीछे देखो पीछे, एक सामने दिखा दे, हाँ ओपनिंग तो चल रहा है, चलो 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 खाना मिल रहा है यहाँ पे, हाँ अच्छा है भाई, उस तरफ 90 में मिलता है इधर चॉकलेट रूम में, अच्छा यहाँ पे ये वाला 65 वाला है, कम से कम जिस दिन इच्छा हो के लाइक 65 का ही बजट है तो आ सकते हैं।
तो गाइस अभी आपने देखा हमारा सेकंड फूड कोर्ट जो कि हमारे भगत सिंह के बिल्डिंग के जस्ट सामने था, और अभी अपन चल रहे हैं थर्ड फूड कोर्ट की तरफ। तो भाई आप लोग कमेंट में बताते जाना कि आपको फूड कोर्ट कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। अभी पता है वहाँ पे फ्री पे वड़ा पाव भी मिल रहा था, लेकिन हम लोग नहीं खाए क्योंकि हम लोग क्या मतलब लाइन लगी थी बहुत ज्यादा रईस खानदान से हम लोग। नहीं ऐसी बात नहीं है गाइस, ऐसी फालतू की बात है, हम नहीं है ये बात। अरे ये तेरे अकाउंट का राज खोलू क्या? अकाउंट का राज अरे झूठ बोल रहा है गाइस। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन थी और हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमको तीनों फूड कोर्ट को कवर करना था इस ब्लॉग के अंदर। हम लोग सोचे इतनी लंबी लाइन में हम लोग खड़े होके वड़ा पाव खाएं, इससे अच्छा हम लोग कहीं और चलते हैं और हम लोग जाके अपना ब्लॉग कंप्लीट। और एक और बात, अपन आज कितने पता है हम लास्ट टाइम इधर ब्लॉग शूट करने आए थे वो फोटो शूट करने पता है पीआईडी बिल्डिंग में, तब से जाके अपने इधर तब से अभी हम लोग अभी इधर आ रहे हैं। और हम लोग को पता भी नहीं था टैगोर सी के इधर पास कोई फूड कोर्ट भी खुला। अरे हाँ इधर आके हम चले गए, हमने देखा भी नहीं, हम लोग को पता भी नहीं था टैगोर सी के पास फूड कोर्ट खुला। हम लोग तो बस पोस्ट में देखे कि भाई यहाँ साइड भी फूड कोर्ट खुल गया, हम लोग को पता सिर्फ दो ही फूड कोर्ट खुले। इधर वडोदरा का वो हो रहा है क्या फिल्मिंग का कुछ ऐसा कुछ है अभी है पता नहीं कुछ तो हो रहा है। हाँ ये वडोदरा कुछ फिल्मिंग करके फिल्मिंग कर भी है विवेक अग्निहोत्री आया था इधर। हाँ तो गाइस अभी अपन चलते हैं। गाइस हम लोग को तो पता नहीं था इतना सुंदर फूड कोर्ट बना रखा है, बहुत ज्यादा सुंदर व्यू है इधर से कैंपस का, एक बार दिखा खाली क्या सही लग रहा है इधर भाई, बहुत बहुत ज्यादा सही लग रहा है। गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं उधर जितनी शॉप्स नई मतलब बनी हुई है, ये देखो अभी ये तो गार्डन ही है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं अभी, ये गार्डन ही है और ये एक हॉस्टल है बॉयज हॉस्टल जो कि अभी गर्ल्स हॉस्टल बन जाएगा, और यहाँ पे अभी नई शॉप्स खुली हुई है तो यहाँ हम लोग चल रहे हैं अंदर। ये तुमने क्या किया? नहीं मैंने कुछ नहीं किया बाहुबली। नहीं गाइस यहाँ पे अभी मतलब अच्छे से पूरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो चीजें काम अभी चल रहा है, या अकेला कैंटीन है जिसका काम थोड़ा स्लो है। हाँ बाकी सारे का तो हो गया, आज ओपनिंग था तो मे भी रात तक शायद हो जाए, रात तक लाइट है। इधर आम आए हुए हैं पेड़ पे। गाइस ये था हमारा आखिरी फूड कोर्ट जो कि टेरेसा डी के पास बना हुआ है भाई, बहुत बहुत सही फूड कोर्ट है भाई, मतलब मजा आ गया देख के। हम लोग यहाँ आए नहीं थे बहुत टाइम से तो हम लोग को पता नहीं था कि ये सब कुछ यहाँ पे बन चुका है। तू कब से नहीं, तू कब से लास्ट टाइम यहाँ पे? मैं तो भाई लास्ट बहुत टाइम हो गया, तुम्हारे साथ आया था बस वही आया, नहीं तुम्हारे साथ नहीं आया एमयूएन और सब में आया था। तब से आया नहीं, आया एमयूएन तो उसके बाद हुआ है ना। हाँ तब भी आया था बस नवरात्रि वाले रास्ते में, नवरात्रि भी नवरात्रि में भी आया, नवरात्रि में तो नहीं आया था। नहीं रखा था ना, कुर्ता नहीं था तेरे पास? नहीं था वही था, अगर हम लोग के पास भी कुर्ता नहीं था, हम लोग खरीदने गए थे अलग से पता है। अरे तो बोल के नहीं जाता, तो उस टाइम पे तू मेरा दोस्त ही नहीं था गाइस, जितना बड़ा धोखा इंसान है। उस टाइम पे गाइस मैं इसको जानता नहीं था, नवरात्रि के टाइम पे मेरे को बोल रहे थे तेरे को बोल के नहीं जाते बंदा से कुर्ता लेने जा रहा था, तो कहता पागल है। देखो आम तोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आम चुराने की गाइस बात हो रही है यहाँ पे, ब्लॉग में नहीं लेगा। गाइज हम फूड कोर्ट घूम चुके हैं और अभी हम लोग हॉस्टल वापस जाने का प्लान बना रहे हैं, बट ये नीरज पता नहीं कौन से नए काम करने को बोल रहे हैं। कुछ नहीं बताना अपने काम क्या करने काम को बोल रहे हैं। कोई नहीं ऋषभ को मारने वाला है गाइज। नहीं गाइज झूठ बोल रहे हैं, कुछ काम करने के लिए बोल रहा था भाई। वैसे बहुत सही एरिया है, हम लोग बहुत क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आ गए भाई हम लोग, मतलब यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड में था, यहाँ सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे भाई, बहुत बहुत सही लगा देख के। कभी भी अपन भी आएंगे और इंटरनेशनल प्लेयर के सामने अपनी ना भाई, इधर से जाते पहले वो सुनना, इधर से क्यों जाते हैं भाई? अच्छा लगा इधर से, मैं कभी नहीं गया। चलो समझ रहे हो इधर से क्यों जाते हैं? अरे तो जाने इधर आम के पेड़ भी है ये तो देखो तू आम के पीछे गाइस इसका इंटेंशन है, इसके मुंह पे आ ही गया गाइस, समझ रहे हो आम का भूखा गाइस भाई, लेकिन आम खाने का मन तो बहुत सही मेरा भी कर रहा है। कच्चे आम नमक लगा के एकदम मस्त काट के खाओ, मिर्ची मार के भाई मजा आ जाता था। मैंने घर में खाते थे भाई, मेरे घर में पता पेड़ क्या मजा आ जाए ब्लॉग में देखने को मिल जाए। नहीं गाइस ये सब करना गलत बात है, ऐसे चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए। ए जल्दी से आम तोड़ो गाइस, मैं घर पे मेरे घर पे आम का पेड़ लगा हुआ है कसम से, मैं बहुत खाता था भाई डेली एक एक आम तोड़ के खाता था। ये बार गिरा आम ये देखो ये कैसा आम बोल रहा है, आम गिरा ये आम तो तेरे को ही खिलाऊं। चलो गाइस अभी अपन चलते हैं, अभी हॉस्टल चल रहे हैं अपन, अभी हॉस्टल चलना है, अभी ऐसे घूमते फिरते टाइम पास करना, टाइम पास करेंगे ना, अभी खाने के टाइम पे जाएंगे सीधा। गाइस पता है ये हॉस्टल क्यों नहीं जा रहे हैं? उसके रूम में काम चल रहा है, रूम में जा नहीं सकते क्योंकि रूम में बहुत कबाड़ हो रखा है अंदर, वो क्या धूल थोड़ी ना, क्या बोलेंगे उसको लकड़ी का गंदा इंसान है, मैं कोई समझ नहीं आ रहा। इस एरिया में तो अपन पहली बार आ रहे हैं, ये तो मेरा कंफर्म है, मैं तो पहली बार ही आ रहा हूं। मैं भी आया हूं फर्स्ट, मैं तो घूम चुका। तू भी फर्स्ट टाइम आया ना? हां ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम। तू आता रहता है भाई, तू इधर पता नहीं किसके किसके साथ ये रहता है दोस्त के। गाइस हम तो पहली बार ही आ रहे हैं, दोस्त दोस्त या दोस्त नहीं।
मीत है भाई, गाइस कुछ भी कर सकता है छुपा रुस्तम है। शाम को कुछ पता नहीं रहता गाइस, सुबह से क्लास चला जाता 7:30 से फिर आता है रात को। सौम्या जैसा छुपा रुस्तम है ना। सौम्या का कुछ ही टाइम पहले हमको पता चला कि वो फुटबॉल स्टेट प्लेयर है। उसकी शक्ल देख के लगता है गाइस आपको फुटबॉल स्टेट प्लेयर है। नींद में चलता रहता है, खाता भी नींद में। अच्छा ये यहाँ इस वाले गार्डन में कनेक्ट होती है भाई? अरे ये तो वही वाले गार्डन में कनेक्ट होती है जहाँ आईपीएल दिखा रहे थे हम वहाँ बैठ के। तो मैं समझ गया भाई, यहाँ लाइब्रेरी है बाजू में। ये लाइब्रेरी है क्या? हाँ ये सब चीजें, तो ये सब चीजें तुझे कैसे पता है भाई? मैं लाइब्रेरी जैसी चीजें हमको तो नहीं पता होती। तो लाइब्रेरी में भाई गांडो, तू इधर से नहीं आया होगा क्या नवरात्रि में? भाई मैं लाइब्रेरी आया था ना, मैं इधर लेकिन आने देता था ना आसपास के। यहां पे चुपचाप पढ़ता होता ना तो भाई मैं टॉप मार दिया था। टॉप ही भाई, पास तो जा रहा है कम से कम। जा रहा है भाई, ये तो 30-30 से ऊपर ला। हर्ष की तरह तो नहीं। तो गाइस पूरे दिन का टाइम पास करते हुए अब हम जा रहे हैं वापस से हॉस्टल। और अभी क्या करने का है अपने को? क्या करने का है? खाना खाने का? देखते हैं भाई, अंदर मैस में खाते हैं फिर बाहर बिरयानी। बिरयानी देख रहे हैं, पक्का नहीं है भाई। इधर इधर मिलते हैं अपन। ये लोग जाने लग गए ना भाई, मैं व्लॉग करता हूँ तो उधर से बोल रहा भाई मेरे को भी कैच कर ले व्लॉग में। अलग अलग कुछ बनी है इसलिए इसका मन नहीं है खाना खाने का। अरे भाई हम दोनों का ऐसा है। लेकिन तू खाएगा मैं बोल रहा हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं, तू भी मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ तू हमारे साथ खाएगा। जबरदस्ती है हाँ, यही करना ही पड़ेगा तेरे। उसने मेरे को पालक अच्छी लगती है भाई, मैं तो खाऊंगा इस BMW। अरे हाँ BMW का लोगो भाई, Mercedes BMW का लोगो ही अच्छा लगता है भाई मेरे को। ये देख सच्ची।